देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में कुछ ही मिनटों में स्वामी के स्वामी बदल गए। वैसे स्वामी के स्वामी भी बहुत पहले बड़े आसामी थे, जैसा कि ये बताते थे, और इन्हीं आरोपों के साथ नए स्वामी बनाए गए थे। लेकिन आज एक बार फिर स्वामी ने स्वामी को बदल दिया है। स्वामी का पूरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वामी अखिलेश यादव, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी में दलितों, पिछड़ों, बेरोजगारों की उपेक्षा हो रही थी। याद रखिएगा, उपेक्षा हो रही थी। अब दलित, पिछड़े, बेरोजगार अगर खुद उनसे पूछ लें तो ज्यादा बेहतर कि चुनावों से 10 दिन पहले वो कौन सा सोमवार या रविवार था जिस दिन उन्हें यह ख्याल आया। राजनीति का जॉनर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉमेडी होना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं, यहां कॉमेडी नहीं चलती तो उससे कम भी कुछ नहीं चलता। मतलब विचारधारा का झंडा लेकर घूम रही पार्टियों के भीतर नेता कभी भी सुबह उठकर नई विचारधारा को अपनाने का फैसला कर लेते हैं। इन नेताओं को विचारधारा बदलने में भी उतना समय नहीं लगता जितना मुझे इस शब्द विचारधारा बोलने में लग रहा है। खैर, इधर चला मैं उधर चला, ये कोई नई कहानी नहीं है। हर चुनावों में टिकट कटने या ना मिलने से नाराज, दुखी, परेशान, हैरान नेता ऐसा करते हैं। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। बहरहाल, देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, डेट शीट भी आ गई है, और साथ ही वो समय भी आ गया है जब चुनावों में आया राम गया राम देखने को मिलता है। किसी रेलवे स्टेशन के बाहर, मसलन किसी रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो वाले और सवारियों के बीच जो टेंशन होती है, वही यहां भी है। यहां ऑटो वाले हैं राजनीतिक पार्टियां और सवारी हैं बड़े नेता और उनके पीछे उनकी पूंछ, यानी छोटे मोटे नेता। बड़े नेताओं के साथ एक मजे की बात है। मजे की बात यह है कि उनके साथ लगेज के रूप में पूरी जाति के लोग चलते हैं, ऐसा उनको और मीडिया को भी लगता है, और यह आम बात है। ठीक है, चलता है। आपको एक चीज बताता हूं कि जब जितिन प्रसाद बीजेपी में आए थे तब कहा गया कि पूरा समूचा ब्राह्मण अब बीजेपी में आ गया। ऐसे ही कई दफा बहुत से लोग आए और ऐसा लगा कि यह पूरा अपना जितना भी जिस जाति बिलोंग करते हैं वो पूरी जाति इसमें लेकर आ गया। लेकिन इससे पहले कुछ नाम आपको याद दिलाता हूं। 2019 में हरदोई से अंशुल वर्मा, बहराइच से सावित्रीबाई फूले, इटावा से अशोक दोहरे, प्रयागराज से श्यामा चरण गुप्ता, ये वो नाम है जिन्होंने पार्टी से इधर से उधर छलांग लगाई। शंकर सिंह बघेला भी हर कोई जानता है, जसवंत सिंह को हर कोई जानता है, शत्रुघ्न सिन्हा को तो कौन नहीं जानता है, उदित राज भाई साहब कांग्रेस में अब है। तो ये वो सब नाम हैं जो बहुत छलांग मारते रहे, लेकिन छलांग मार मार कर जो एक छलांग के रूप में अपने आप को चोटी पर देखना चाह रहे थे वो आज कहीं नजर नहीं आते। ये क्यों नजर नहीं आते, ये एक अलग विषय है। लेकिन क्योंकि स्वामी जी आज हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, अगर स्वामी जी हमारे साथ जुड़ते, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ते, तो एक सवाल उनसे जरूर करता कि ये जो लड़ाई है, जो पिछड़ों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है, लघु उद्योग चलाने वाले लोगों की जो लड़ाई है, ये चुनावों से 10 दिन पहले आज सुबह उठकर उनके मन को ये ख्याल कैसे आया कि अरे ये लड़ाई तो लड़नी है, चुनाव सर पर है, उनको ये लड़ाई लड़नी है। अब एक सवाल और है उनसे जो रहेगा, अगर वो सुन रहे होंगे कार्यक्रम तो सुनिएगा, कि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की जो बेटी है उनका नाम है संघमित्रा मौर्य। तो संघमित्रा मौर्य जो है वो लोकसभा सांसद है, ध्यान रखिएगा, वो लोकसभा की सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है वो लोकसभा सांसद है, बदायूं से बीजेपी की सांसद है। मतलब संघमित्रा मौर्य, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने आज ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वो दरअसल पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे क्योंकि उनको उपेक्षा हो रही थी सरकार, इस पार्टी के अंदर उनकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए उन्होंने पार्टी को आज छोड़ दिया है। लेकिन उनसे अगर कोई सवाल पूछ सके तो ये सवाल जरूर पूछे कि उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, क्या वो दलितों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, लघु उद्योग चलाने वालों की लड़ाई 2024 में करेंगे? आज नहीं कर रही है, क्या 2024 में करेंगे? एक बड़ा सवाल है। और ठीक है, सब कुछ चलता है, लेकिन एक चीज नहीं चलती है और वो चलनी भी नहीं चाहिए, वो ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों को एकाएक राजनीतिक पार्टियों में शामिल करने का खेल बंद होना चाहिए। कल तक जो पुलिस का अधिकारी सभी को एक समान समझकर कानून का पालन करवा रहा था वो आज अचानक किसी पार्टी का हो चला है। अब ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठे और चाय में उस पार्टी का चेहरा देख मोहब्बत सी हो गई, ये कई दिनों से दिल में दबी ख्वाहिश का नतीजा है, और ये ख्वाहिश कई बार आपके फैसलों की च्वाइस को भी प्रभावित करते हैं जो कि प्रशासन में रहते हुए ठीक है। तो ऐसे अफसरों को, आला अधिकारियों को अपनी प्रशासनिक सेवा से रिटायर होने के 4 से 5 साल तक किसी भी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए।
यह मेरा सुझाव है। इस सुझाव के बाद मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जुड़ेंगे एके मिश्रा साहब। लेकिन उससे पहले आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसको सुनाते हैं, इसको जरा सुनिए। जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। आप मोदी जी से नड्डा साहब से आपकी बात हुई है? आपनी बात तो नड्डा साहब से भी हुई थी, आप बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे सम्मान बात किया, तो आप श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती है, मनोनीत करती है और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस शिविर देने का कारण बताया। असर क्या होगा आपके इस्तीफे का? असर आपके इस्तीफे का असर क्या होगा बाबूजी? असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप यहाँ से बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीटी कर दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा वो पीड़ा मेरी है। और होने दो, ये दर्जनों विधायक आएंगे, अभी दर्जनों देंगे, आप देखते रहिए, देखते रहिए, अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। एक दो दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक दो दिन के अंदर बड़ा विकेट मैं अंतिम निर्णय भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा अपने आप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव या योगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप? एक दो दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? जो आप चाहते हैं आप मुख्यमंत्री, जब आप उसमें मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है, मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है। इसलिए मंत्री आप लाख दे दो, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थी, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे, यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे, इसलिए किसी ने मुझ में मेरे काम में दखल देने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप काम लेना चाहेंगे उस प्रकार से वो काम करेगा। इसलिए नेता की नीत और नियत इस बात की निर्भर करती है कि अधिकारियों से किस रूप में काम लेना चाहती है। अगर नेता नीति और नियत में खोट है तो स्वाभाविक रूप से उस नेता को अधिकारी चलाएगा। नेता की नीयत में खोट है को ही भोगना पड़ेगा। अखिलेश यादव साहब आप जा रहे हैं, ट्वीट में फोटो आ गई आपकी, अभी एक दो दिन कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय। देश में दो चीजें चल रही हैं, एक कोरोना चल रहा है, एक कॉमेडी चल रही है। कोरोना चल रहा है ये सभी को पता है, कॉमेडी चल रही है वो मैं बताता हूं कैसे। कॉमेडी ये चल रही है कि नेताजी ने पार्टी छोड़ी पिछड़ों के लिए, बेटी ने पार्टी नहीं छोड़ी, बेटी छोड़ सकती है 2024 तक क्योंकि तब तक वो लड़ाई लड़ेगी। दूसरी कॉमेडी ये है कि नेता और इनके आसपास जितने स्थानीय पत्रकार सब डेली आंकड़े बताते हैं, रोजाना सुबह से लेकर शाम तक आंकड़े बताते हैं कि फलाने जिले में इतने इतने कोरोना केसेस आज मिले। ये नेता सुबह से शाम तक ये बताते हैं कि मास्क पहनिए, ये करिए, वो करिए, रैलियां चौतरफा करते हैं और ऐसे आप पूरी देख रहे थे ये जो खड़े और चलते फिरते जो पीसी थी सब, इसमें कहीं भी किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। इसका जिक्र मैंने किया है आउट ऑफ बॉक्स जाकर, लेकिन ये ध्यान करने योग्य बात है कि कोई भी मास्क नहीं लगाया।
किसी को भी मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत की यह बड़ी खबर है और सभी को कोरोना प्रूफ करती है, कोरोना प्रूफ। ऐसे में क्या कुछ है यह मसला, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। एके मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी सबसे पहले तो ये बताइए कि ये राजनीति है या कॉमेडी है, ये समझाइए मुझको। क्योंकि जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पार्टी को इस्तीफा दिया, जब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने बड़े एक रुदालू स्वर में एक बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मैं नहीं लड़ पा रहा था, मैं पिछलों के लिए नहीं लड़ पा रहा था, मैं दलितों के लिए नहीं लड़ पा रहा था, और जो लोग हैं बेरोजगारों के लिए मैं नहीं लड़ पा रहा था, सबका यहां पर शोषण हो रहा है, सब उपेक्षित है। ये आज याद आया, 10 दिन पहले चुनावों से याद आया। और बेटी के लिए कह रहे हैं कि बेटी से अभी बात नहीं हुई, बेटी से कोई मतलब नहीं, बेटी को 2024 में परेशान करना तब पूछना, अभी कोई मतलब नहीं। तो ये क्या चल रहा है? एके मिश्रा जी अनम्यूट कर दीजिएगा, अनम्यूट कर दीजिएगा, फिर बात रखिएगा। ना तो देखिए, ना तो ये राजनीति है, ना ये कॉमेडी है। एक लेटेस्ट वर्जन आया है कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी, जो 2-4-5 मिनट के लिए चलता है, ठीक है, और फिर उसमें जूते उते भी बहुत पड़ते हैं। ऐसे लोगों को जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे है और आपने जो बहुत सारे नाम गिनाए, मैं इनको पॉलिटिकल राजनीतिक मृदुपक्षी, पॉलिटिकल इसके वेंजर बोलते हैं, इधर उधर कहीं लाशें पेट भर ले। और नेता होते हैं जो वाकई इतना काम किए रहते हैं कि आपका जो एपी का जो माइक है उसको थोड़ा सा पास लगेगा, थोड़ा सा पास। अच्छा, अगर ये सुभाषपा वगैरह की, हाँ, सुभाषपा ने बेरोजगारी दूर कर था कि ये 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 10 दे ही देंगे, तो इसी नौकरियां करेंगे, वंचित अपने और नेता पॉलिटिकल असाइलम, थोड़ा सा जिनका कोई रोकना चाहूंगा। एके मिश्रा जी आपकी थोड़ी सी ऑडियो जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, ऑडियो को फिक्स करवाएंगे थोड़ा सा। ऑडियो को आप देखिएगा जरा, ईयरपीस अगर हटाकर ऑडियो क्लियर आता है तो। हाँ हाँ, अब बात रखिएगा। ये बोल रहा था, असाइलम को होता है ना, जिन तक नहीं होता है मेहनत नहीं है, ये सिर्फ इधर गए उधर गए, जहां अपना फायदा हो लड़ाई लड़ ले, वो लड़ाई ये नहीं लड़ रहे। वही ठीक है। एक और चीज थी, हाँ, इनकी कुर्सी पट्टी है। एक और चीज थी एके मिश्रा जी, एक और चीज समझना पाएंगे कि बीते दिनों, कल परसों की बात बता रहा हूँ आपको, असीम अरुण साहब हैं, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, वीआरएस के लिए आवेदन दिया, वीआरएस स्वीकार भी हो गया है। अब वो बीजेपी से लगातार खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो कन्नौज सदर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक पुलिस कमिश्नर जो कल तक था कानपुर का, अब एकाएक अगले दिन वो एक राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट बन जाता है। तो ये एक रात की तो प्रक्रिया है नहीं कि एक रात में विचारों में परिवर्तन हुआ, विचारधारा परिवर्तित हुई, एक प्रशासनिक अधिकारी रातों रात राजनीतिक आदमी बन गया, रातों रात तो होता नहीं है। ये पहले से कभी ना कभी से तो चलता चला आ रहा होगा दिमाग में, और ये फैसलों को भी प्रभावित कर चुका होगा। तो ऐसे में ये क्यों ना हो कि जो प्रशासनिक सेवा में है या फिर जो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, वो अगर एकदम से अपनी सेवाएं छोड़ते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायर होते हैं,
तो तुरंत उनको राजनीतिक पार्टियों में ना शामिल किया जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? देखिए व्यवस्थाएं तो बहुत, लेकिन संविधान को बदलने में घंटी कौन बांधे? ये है कि सिस्टम को छोड़ के पॉलिटिक्स ऑफर किसी भी पार्टी, जो एक बड़ा मिश्रा जी, आपका थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है, इसको फिक्स करवाकर एक बार फिर आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल मुद्दा यही है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने जो आज इस्तीफा दिया मंत्री पद से, पार्टी से, ये इस्तीफा क्या सच में, आप मुझको सुन रहे हैं, आप मुझको ध्यान से सुनिए और एक मिनट के लिए आंखें बंद, वो चेहरा सोचेगा स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो चेहरा सोचेगा जितन प्रसाद का, वो चेहरा सोचेगा शत्रुघ्न सिन्हा का, वो चेहरा सोचेगा शंकर सिंह बघेला का, वो चेहरा सोचिएगा जसवंत सिंह का, वो चेहरा सोचिएगा उदित राज का, वो चेहरा सोचिएगा अंशुल वर्मा का, वो चेहरा सोचिएगा सावित्रीबाई फूले का, वो चेहरा सोचिएगा अशोक दोहरे का, वो चेहरा जरा जहन में लाइएगा श्यामा चरण गुप्ता का। सभी चेहरे एक बार दिमाग में लाइए और क्या सच में सोचिए कि जब ये लोग सत्ता में रहे तो वादों को लेकर क्या इन लोगों ने आपको कभी भी इनकी बातों से लगा कि ये सच में आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे? वैसे हालांकि अगर प्रैक्टिकली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता वंचितों की लड़ाई लड़ता है, जो नेता शोषितों की लड़ाई लड़ता है आज के दौर में, उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं जब लोहिया बस से घूमते थे, उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं कि जब जेपी दिल्ली में जेपी साहब भी बसों से घूमते थे, ऑटो से घूमते थे, सड़क पर पैदल चलते थे, लोहिया जेपी, वो दौर चला गया, वो दौर जा चुका है, अब दौर बदल गया है। अब दौर है जो नेता शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, वो दरअसल लड़ाई लड़ते लड़ते कब खुद अमीर बन जाते हैं, ये तो शोध का विषय है। एक बार फिर हमारे साथ एके मिश्रा जी जुड़ गए, एक बार कोशिश करेंगे उनको फिर से लाइव लेने की। एके मिश्रा साहब, मैं यही बात कर रहा था कि वो जमाने चले गए जब लोहिया साहब थे, जेपी साहब हुआ करते थे, तो सच में गरीबों के लिए, समाजवाद के लिए लड़ रहे थे। आजकल तो देखते हैं कि जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, जो वंचितों की लड़ाई लड़ता है, दलितों की लड़ाई लड़ता है, वो लड़ते लड़ते इतना अमीर हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि एक शोध का विषय है। नहीं है, और बात यह है इंक्वायरी नहीं, कोई टैक्सेस बोला, स्पेशली ऐसे ने जो एके मिश्रा जी, आज माफी के साथ पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एके मिश्रा जी की दमदार आवाज आज कहीं ना कहीं कनेक्शन की जो बंदिशें हैं उसके बीच फंस रही है, तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए आज आपसे माफी मांगना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो एके मिश्रा साहब की आज जो आवाज थी वो दरअसल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज हम तक आ नहीं पाई, लेकिन मैं जितना समझता हूँ वो कुछ दमदारी बात रख रहे थे और बेहतर होता कि वो अपनी बातों को सही ढंग से सामने रख पाते। खैर, ऑडियो की प्रॉब्लम थी, इस वजह से रुकना पड़ा। तो मैं वही बात कर रहा था कि किस तरीके से ये दलितों की, वंचितों की, शोषितों की जो लड़ाई लड़ रहे नेता, वो कैसे और किस घड़ी खुद अमीर हो जाते हैं, खुद धन संबल हो जाते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे और पैसा खुद का भर जाता है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और BMW से उतर रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इतनी मोटी सोने की चैन जो बकरी के गले में बांधी जाती है, उतनी मोटी सोने की चैन बांधकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन महंगी महंगी गाड़ियों से खूब, किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं? महंगे पेट्रोल के खिलाफ लड़ रहे हैं, महंगे डीजल के खिलाफ लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? 15-20 गाड़ियों का काफिला लेकर महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ लड़ रहे हैं।
रसोई गैस महंगी हो गई है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? बड़े बड़े आयोजन करा रहे हैं, वहां पर पूरी हलवा चाट मसाला सब बंटवा रहे हैं। ऐसे आप महंगी रसोई के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। गौर से देखिए, गौर से सोचिए। आप सरसों का तेल महंगा हो गया है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो लोग लड़ रहे हैं जो इस बात को रखते हैं कि हम लड़ रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल महंगा हुआ है। जिनके घर पर सरसों का तेल आखिरी दफा कब खत्म हुआ होगा उनको तो इस बात का इल्म नहीं है। या आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई लड़ रहे। दलितों की जितने नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, बीते दो दशकों की बात है, सब के सब दल बन गए। जो दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे वो अब दल बन गए, और दल ऐसे वैसे नहीं, धन्ना सेठ दल बन गए, पैसे वाले दल बन गए, मायावी दल बन गए। तो अब दलित खुद विचार कर ले कि वो अगर एक वोट नहीं तो क्या है, पिछड़े खुद विचार कर ले कि वो एक वोट नहीं तो क्या है। कमजोर व्यक्ति को, कमजोर आइडेंटिटी को, कमजोर पहचान को सिर्फ दबाने का काम किया जा सकता है, सिर्फ दबाने का। अगर कमजोर हैं किसी भी लिहाज से, किसी भी मुहाने से, कहीं भी तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के नाम पर, काले गोरे के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, अगर किसी भी व्यवस्था में आप कमजोर हैं और किसी भी पैमाने पर कमजोर हैं, आप अपने आप को मान रहे हैं कमजोर, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि कमजोर को सिर्फ कमजोर किया जाता है, कमजोर को सिर्फ कमजोर किया जाता है। कमजोर ताकतवर नहीं बनते, ताकतवर जानते हैं कौन है? ताकतवर बनते हैं महासभा वाले, ताकतवर बनते हैं ठेकेदार लोग। ठेकेदार एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, फिर कार्यक्रम को खत्म करें। आप आजकल देखते हैं ना, मॉडर्न युग में आप एक चीज देखते हो, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, अब तो दलितों की भी महासभा हो गई, बनियों की भी महासभा हो गई, कायस्थ महासभा भी हो गई, हर प्रकार की जातियों की महासभा। अब छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा, जल्दी से आपको समझाता हूं। एक क्षत्रिय महासभा बनाई गई और क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया काविंद प्रताप सिंह चौहान। ये क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं काविंद प्रताप सिंह चौहान, और इसी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष काविंद प्रताप सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया। दोनों ने कहा कि कितना कितना है तुम्हारे पास, हम तुमको देंगे 10 रुपए प्रति वोटर। मैंने कहा कि मेरे पास 50 लाख वोटर है, 50 लाख मेरी जात का। तो बीजेपी ने कहा कि तुम्हारे लिए 10 रुपए प्रति वोटर, और समाजवादी पार्टी ने कहा कि आपके लिए 50 रुपए प्रति वोटर। तो मैंने चुपचाप से अपनी महासभा बुलाई और कहा, सुनो क्षत्रियो, तुम्हारा भविष्य जो है वो अब समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है, क्योंकि बीजेपी में अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं बीजेपी, बीजेपी हमारा शोषण कर रही है, चलो समाजवादी पार्टी, और सब मेरे पीछे पीछे कदम ताल करते हुए समाजवादी पार्टी को वोट डाले। अब सुनना क्या हो, मुझे मिल गया 50 रुपए प्रति वोटर के हिसाब से करोड़ों का पैसा। अब वो पैसा मैंने अपने बैंक में जमा किया, अपने बच्चों को भेजा विदेश पढ़ने, एक को भेजा ऑस्ट्रेलिया, एक को भेजा ऑस्ट्रिया, दोनों से कहा पढ़ो बेहतरीन शानदार, और यहां मैं चला रहा हूं अपनी ठेकेदारी की दुकान। और जो वोटर था, जो मेरे कहने पर कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, वो आज तक बिलबिला रहा है। आज ऐसे ही बिलबिलाते रहिए जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे कि आप किधर जा रहे हैं, किधर की ओर जा रहे हैं। जब तक ये ठेकेदार जिंदा है, जब तक ये ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे धर्म के ठेकेदार हो, चाहे राजनीति के ठेकेदार हो, चाहे जात के ठेकेदार हो, आपको आपकी दुर्दशा मुबारक। धन्यवाद। देखिए भारत @9 काविंद्र चौहान के साथ।